तो दोस्तों यार आप सभी कैसे हो यार। आप सभी अच्छे होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपके बर्ड अच्छे से रहे। और गाइस यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी जो कि मैं केजेस की करने वाला हूँ सफाई, जो कि यार साथ में इनका दाना पानी भी चेंज करूँगा। तो गाइस यार वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और गाइस यार आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ मैं बर्ड्स को जो कि कौन कौन सी सीड देता हूँ। तो गाइस यार आप भी अपने बर्ड को ये सीड ज़रूर खिलाएँ और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है गाइस। और जो कि ये मैंने अभी सीड लेकर आया हूँ जस्ट नीचे से। तो अभी जो कि मैं इनको दूंगा गाइस यार कटोरियाँ पूरी खाली हो रखी है। तो चलिए अभी इनको पहले सीड चेंज करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कौन सी सीड आप अपने बर्ड को खिलाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए पहले मैं जो कि इनको दाना पानी भी डाल देता हूँ, थोड़ी साफ सफाई है वो भी कर देता हूँ, और साथ में इनके जो बच्चे हैं गाइस वो बड़े होते जा रहे हैं तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस यार इसको भी जो कि मैं बाहर लेकर आया हूँ, अभी जो कि इसके पास रखेंगे इसको, ये देखिए बस। फाइनली जो कि मैंने केजेस को अच्छे से साफ कर दिया है और जो कि पानी भी डाल दिया है और साथ में जो कि सीड भी इनको डाल दी है। तो आप अपने बर्ड को कौन सी सीड खिलाएं तो वो आप आपको बताने वाला है। गाइस मैं मेरे बर्ड को कौन सी सीड खिलाता हूँ वो अभी आपको मैं बताऊंगा। वो आप भी अपने बर्ड को खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो गाइस यार पहले नंबर पर है बाजरा, और जो कि आप अपने बर्ड को खिलाएं और उसके अंदर आप कंगनी दाना मिक्स कर दें सारा, जो कि यार आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी इसके अंदर सीड मिला रखी है, और एक साथ मिक्स करके आप अपने बर्ड को सीड खिलाएंगे तो गाइस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो बाजरा ले लें, कंगनी दाना ले लें, तिल ले लें, सफ़ेद तिल होते हैं और जो काले तिल होते हैं वो भी ले लें, और चावल ले लें जो कि चावल के हल्के हल्के टुकड़े आते हैं गाइस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े आएंगे चावल के वो ले लें। और उसके बाद में गाइस आप जो मक्की के दाने होते हैं वो घर पे ला के उसका दलिया बना लें और वो भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और आप कुसुमी के बीज ले लें और साथ में सनफ्लावर सीड ले लें, और गाइस पीली सरसों और जो काली राई होती है वो भी ले लें, और वो सारी मिक्स करके और आप अपने बर्ड को खिलाएं। और गाइस यार आपका बर्ड बहुत ही शौक से खाएगा और गाइस यार उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ में आप उसमें गेहूँ का दलिया भी मिला सकते हैं गाइस सीड के अंदर, तो इनको जब बच्चे और खेलेंगे तो गाइस यार बच्चे इतने एक्टिव रहेंगे और हैवी निकलेंगे गाइस इनके बच्चे भी। तो इनके जो बच्चे आएंगे उनको जो सीड मिलेगी गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होगा इस सीड के अंदर, जो कि इनके बच्चे बहुत ही शौकिया रूप से खाएंगे। और गाइस यार जो आपको सीड मैंने बताई है वो आपको किसी ने भी इस तरीके से बताई नहीं होगी। तो आपको यार ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना और कमेंट करना, और भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो उल्टी टोपी वाला, तो जो मैंने सीड बताई है वो नोट कर लेना गाइस और आप अपने बर्ड को खिला सकते हैं। तो गाइस यार तो दोस्तों यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो उल्टी टोपी वाला। तो गाइस यार बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ मिलता हूँ, और गाइस यार आप कमेंट करके जरूर बताना आपको अगर शॉर्ट्स व्लॉग पसंद है तो आपके लिए शॉर्ट्स व्लॉग भी मैं जो कि बनाऊंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी व्लॉग के जरिए। जय हिंद, वंदे मातरम।